और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन में बीएमपी टैंक उतार दिए हैं और अपने आप में एक तरह का पहला मामला होगा जहां अपने ही क्षेत्र में एंटी टेरर ऑपरेशन में टैंक उतारा गया है और इसे समझा जा सकता है कि पूर्णतः ऑपरेशन ऑल आउट यानी आतंक का पूर्ण सफाया उस मकसद के साथ सेना उतर गई। ये देखिए अपनी धरती पर टैंक्स का यूज आपने बहुत कम देखा होगा और ये बहुत बड़ा एक्शन है अपने आप में। दूसरी तरफ सेना के जवान मुस्तैद हैं। कुछ वक्त पहले की ही तस्वीरें हैं, बीएमपी टैंक्स लगाए गए हैं, 3-4 टैंक्स की तस्वीरें भी दिख रही हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में लगातार सेना का ऑपरेशन जारी है और बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन है। कितना बड़ा उसकी अहमियत आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि सेना की तरफ से टैंक्स उतार दिए गए हैं और इन टैंक्स के इस्तेमाल से आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाएगा। एक बड़ा एक्शन है ये। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, अखनूर में बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन और लगातार ऑपरेशन जारी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। हाल के दिनों में खास करके नई सरकार के गठन के बाद से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बख्तरबंद वाहन, सेना के जवान और इन सब के बीच आप देखिए किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा टैंक्स भी उतार दिए गए हैं और सेना के काफिले पर हमला हुआ था। यहां 3 आतंकियों को ढेर किया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा बल आतंकी ऑपरेशन चला रहे हैं और इन सब के बीच आप देखें किस तरह से टेरर ऑपरेशन में टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखनूर में सेना ने टैंक्स उतार दिए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर का इलाका जहां बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। सोमवार सुबह को ही 3 आतंकियों को ढेर किया गया और LOC के ठीक पास का इलाका बताया जा रहा, भट्टल इलाका, जहां पर आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। और उसके बाद देखिए जवानों का ये जोश सुनिए, नारे सुनिए किस तरह से एक्शन जारी है। तो देशभक्ति नारों की गूंज घाटी में गूंज रही है, सुनिए। तो सेना ने अखनूर में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, टैंक्स उतार दिए गए हैं। बीएमपी टैंक्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह ही 3 आतंकियों को ढेर किया गया और अब लगातार ऑपरेशन जारी है।